हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एक्सकर्जन में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लॉन्चर के बारे में जिसमें आप अपने किसी भी एप्लीकेशंस पे नोटिफिकेशंस भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे ये इस वाले एप्लीकेशंस पे मैसेज बॉक्स पे 6 मैसेजेस आए हैं, तो ये ऊपर ही दिखा रहा है। अगर आपके फ़ोन में ये नोटिफिकेशंस नहीं आती है तो आप इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने गूगल क्रोम में चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पर सर्च करना है आपको आसुस लॉन्चर ऑयल, ठीक है। ऑयल सर्च करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट में एप्लीकेशंस मिल जाएगी देखने को। तो यहाँ से आपको इस वाले एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। 14 MB का वर्जन है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। तो देखिए मैंने क्लिक किया, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। उसके बाद सिंपल आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये देखिए अभी डाउनलोड भी हो चुका है। तो ये तो वाला तो प्ले नहीं हो पा रहा, तो कोई नहीं, आपको सेकंड बैक चले जाना है। इसको नहीं करना है, ये वीवो V11 Pro में कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे दूसरा वाला कर लेना है। थर्ड नंबर पे इसको ट्राई करना है, इसको डाउनलोड करना है और इसको यूज़ करना है। तो देखिए डाउनलोड हो गया, इसको ओपन कर लेता हूँ और ये अभी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब आपको इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आपको इसको डन कर देना है और अपने फिर से जाना है आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में और यहाँ पे अपने लॉन्चर को डिफ़ॉल्ट में जाके सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं भी सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। कितना गया, ये देखिए मैंने यहाँ से डिफ़ॉल्ट में गया और यहाँ से होम स्क्रीन पे जाके मैं इसको लॉन्चर को इसको सेट कर दिया। तो भी आप देखेंगे कि ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यह उसके बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं। कुछ ऐसा आ जाएगा जैसे कि आप गूगल लॉन्चर होता है उस टाइप का मिलता जुलता आएगा। इसके सारे एप्लीकेशंस भी आपको इस टाइप से स्लाइड करने पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं, सेटअप पे चले जाना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने ऐप से जो आइकन है उनको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इनको कर लेता हूँ 5.6, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे देखने में लग रहे हैं। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ ये, ठीक है। तो आप अगर आपके फ़ोन पे अगर यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आती है, जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे वो आया है, तो आपके अगर व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आया तो आपको बाहर ही सामने दिखा देगा कि इतने मैसेजेस आए हैं और आपका लॉन्चर भी चेंज हो चुका है आपके फ़ोन का, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपने फ़ोन का लॉन्चर चेंज कर लेना है। अगर आपको अपने फ़ोन का लॉन्चर पसंद नहीं है, अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, तो बस इसको ऐसे ही यूज़ कर लेना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।